सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इस प्रकार की लिरिक्स वीडियो बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये अपनी इमेजेस लगाकर कुछ इस टाइप की लिरिक्स वीडियो बनाना चाहते हो जो इंस्टाग्राम पर अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर वॉच करते रहना। तो गाइस, सबसे पहले आपने लाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, देन ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको प्लस की आइकन पर क्लिक कर लेना है और 9:16 की साइज को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर ब्लैक सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। अभी प्लस में आएंगे और मीडिया पे आ जाएंगे, और फिलहाल के लिए मैं अपनी गैलरी में आता हूँ और गैलरी से गाइस एक वीडियो को क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से इस वीडियो को मैं जस्ट वेट गाइस, और इस वीडियो में सॉन्ग लगा हुआ है, इसलिए गाइस यहाँ पे इस वीडियो को मैं टैप कर लेता हूँ और इसको क्लिक करके 3 डॉट पे आके एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके इसके सॉन्ग को ले लेंगे। बाकी वीडियो को क्लिक करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, प्लस पे टैप करेंगे, मीडिया के ऑप्शन में आ जाओ और यहाँ से सबसे पहले अपनी गैलरी में आएंगे और गैलरी से गाइस यहाँ से अपनी इमेज को हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे भाई मेरे को बोलेंगे कि भाई ये इमेज आपने कहाँ से डाउनलोड किया, तो यार पिछली वीडियोस वगैरह जाकर देखो, उसमें मैंने बताया है कि प्रिंटरेस्ट नाम की एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर जाके आपको कपल की फोटो सर्च करने से लिख लेना है कपल्स इमेजेस, या आपने लिख लेना है एस्थेटिक कपल इमेजेस, तो कुछ इस तरीके के बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे, आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन करके सेंटर में ऐसे करके मैं फिक्स करके इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लूँगा। अब यहाँ पर इफेक्ट में कैड इफेक्ट पर आएंगे, यहाँ पर हमने सर्च कर लेना है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, इसको क्लिक के मोनोक्रोम को सिलेक्ट कर लो। फिर इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे, अभी हमने सर्च कर लेना है विग्नेट या विग्नेटी भी बोल सकते हो, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लो और साइज को यहां पर कम करो, ठीक है। उसके बाद फिर इफेक्ट में आएंगे, इफेक्ट पे आएंगे और इस बार हमने सर्च कर लेना है गोजन ब्लर, तो यहाँ पर आप जैसे सर्च करोगे गोजन ब्लर ये वाला इफेक्ट आएगा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लो। और यहाँ पर ब्लर ने करीब यहाँ पर हम 25 या 30 के अप्रोक्स रखेंगे, तो 30 मैंने कर दिया। फिर इफेक्ट में आके इफेक्ट पे आओ और इस बार हमने सर्च कर लेना है एक्सपोजर गामा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लो और गामा को यहाँ पर कम कर लो, एक्सपोजर को भी यहाँ पर कम कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो। तो इतना काम हमारा हो चुका है गाइस। अब हम क्या करेंगे, प्लस में आएंगे, फिर से मीडिया में आके उसी फोटो को दोबारा यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक करेंगे। फिर प्लस में आएंगे, मीडिया में आएंगे और उसके बाद में गाइज अपनी गैलरी में यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और गैलरी से गाइज यहाँ पर एक ब्रश वाली पीएनजी मिल जाएगा, तो सिंपली इस पीएनजी को भी आपको सिलेक्ट कर लेना और इसकी ड्यूरेशन को भी लास्ट तक कर लेना है। अभी ब्रश की पीएनजी को ऊपर रखना आपने और फोटो को नीचे, और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन वाले पे टैप करना है, इस ऑप्शन पे, तो देखो कुछ इस तरीके से ग्रुप टाइप का बन जाएगा। अब इसी को टैप करके एडिट ग्रुप में आना, इसको क्लिक करके जितना भी आप जूम वगैरह करना चाहते हो अपना जूम कर सकते हो और सेंटर में फिक्स कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको टैप करके थोड़ा सा मैं इधर रख लेता हूँ, तो इतना हो चुका है। अब इसी को टैप करेंगे, इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ पर एक इफेक्ट देंगे, फ्रैक्टल वर्प नाम का गाइज एक इफेक्ट है, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है FRA, जैसे लिखोगे तो ये वाला आएगा, इसको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लो। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैग्नीट्यूड को यहाँ पर हम कम करेंगे, तो अभी फ़िलहाल के लिए यार मैं इसको इतना रख लेता हूँ, 0-0 कर देता हूँ, बाद में इसको मैं इनक्रीज करूँगा, ठीक है। तो डिटेल में आके एक प्लस यहाँ लगा दो स्टार्टिंग में और एक प्लस एंड में लगा लो, और इसको कुछ इस तरीके से आपने बढ़ा लेना है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, आगे तो बिल्कुल भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि कुछ प्ले ही नहीं हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड को क्लिक करके थोड़ा सा इनक्रीज कर लेना थोड़ा सा, और पहले एक बार प्ले करके देख लो, तो देखो कुछ इस तरीके से आएगा। तो थोड़ा और मैं डिक्रीज करूँगा, तो यहाँ पर गाइज मैं करीब 6 या 7 या 8 10 रख लेता हूँ, तो देखो कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट शो होगा। और यहाँ पर गाइज सिंपली ये जो है ना ऑक्टावेस, इसको आपको 7 कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको 7 कर लो, ठीक है। अब देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट शो हो रहा है। अब हम अपनी लिरिक्स वगैरह लिखेंगे, तो जो भी सॉन्ग रहेगा उसकी लिरिक्स आपने गूगल में जाकर सर्च कर लेना है। मैंने पहले से गूगल में जाकर सर्च कर लिया था इस सॉन्ग की लिरिक्स को, तो बहुत सारे वेबसाइट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से कोई भी वेबसाइट से आप कॉपी कर लेना लिरिक्स, या आप यहाँ पर प्लस पर आकर टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर लिख भी सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पर मैंने कॉपी किया था, इसलिए यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और बाकी
बाकी के लिरिक्स को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। स्टार्टिंग की वर्ड हमेशा कैपिटल में आपने रखना है और यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में आकर व्हाइट कलर को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और रोबोट और रेगुलर पर क्लिक करके एक सिंगराठी नाम का एक फॉन्ट मिलेगा तो यहाँ पर इसको ऐड कर लो। इसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करके इम्पोर्ट फॉन्ट्स में आओ, जहाँ भी फॉन्ट को आपने डाउनलोड करके रखा होगा फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना था, फॉन्ट आपको यहीं ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में सर्च में जाकर उस फॉन्ट की नेम को लिख लेना, तो देखो सिंगराठी नाम का फॉन्ट है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। साइज को इंक्रीज कर लेंगे फिलहाल के लिए और यहाँ पर डन कर लूँगा और इसको ना मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेंगे। अब इसी को टैप करके प्लस में आकर डुप्लीकेट लेयर कर लो, एक लेयर को टैप करके इसको नीचे करो और एडिट टेक्स्ट में आओ। अब यहाँ पर जो आपकी चैनल की नेम रहेगा, अपनी चैनल की नेम वगैरह यहाँ पर टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैंने कर दिया। और इस वाले ऑप्शन में आओगे, व्यू ऑल फॉन्ट्स में आओगे तो बहुत सारे फॉन्ट आपको यहाँ पर पहले से मिल जाएगा लाइट मोशन में, तो जो भी फॉन्ट आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर, या सर्च भी कर सकते हो, तो यहाँ पर कोई भी फॉन्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइज। बाकी सभी फॉन्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, एक एक करके सभी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना। अभी चैनल के नेम को लिख के मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और थोड़ा ऊपर की जो टैक्स है इसको इंक्रीज करेंगे भाई थोड़ा सा और यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अभी हम फिर से प्लस में आएंगे, टेक्स्ट में आएंगे और उसके बाद में जो भी आपको इमोजी ऐड करना है यहाँ पर इमोजी ऐसे करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। और इस कलर वाले ऑप्शन में आके इसको क्लिक करके ट्रांसपेरमेंट कर लेना, नीचे की तरफ खींच लेना। रोबोट और रेगुलर पर आओगे तो एक iOS 13 नाम की फॉन्ट मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और डन कर लो, ठीक है। अभी डन करने के बाद फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ ऐसे और इसकी भी को आपने एंड तक कर लेना है। अभी फाइनली का जैसे वीडियो प्ले करोगे और जैसे का इसकी लिरिक्स की ड्यूरेशन यहां तो एक बीट मार्क लगा लो और लिरिक्स को टैप करके बीच में कट लगा लो, फिर नेक्स्ट लिरिक्स को टैप करके इसको डिलीट कर लो और जो दूसरी आपकी लिरिक्स रहेगी ना उसको यहां पर आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और स्टार्टिंग के वर्ड फिर से यहां पर कैपिटल में रखो, जैसे कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। और साइज को अगर आप छोटा करना चाहते हो तो ऐसे करके फिक्स करना ताकि ये अच्छे से शो हो, जैसे कि यहां पर रख लेना। फिर वीडियो प्ले करना, जहां पर फिर से इसको क्लिक करके कट लगा के नेक्स्ट लिरिक्स को टैप कर लेना। सॉरी यार, इसको तो मैंने ये सॉरी गाइज मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर इसको लिरिक्स को कट करना था तो इसको टैप करके मैं कट कर लेता हूँ और इसको एडिट टैक्स में आएंगे। अब दूसरी जो लिरिक्स रहेगा ना उसको आपको पेस्ट कर लेना है, बाकी के लिरिक्स को फिर से यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गाइज आपको यहाँ पर लिरिक्स को लिख लेना है पूरी एंड तक। जब आप लिरिक्स को लिख लोगे उसके बाद बैक हो जाना, एक फुल प्रोजेक्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर नहीं बना पाओगे तो इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना। इसमें बस आपको नीचे यहाँ पर इसमें इमेज को ऐड कर लेना है और यहाँ पर देखो ये ग्रुप थोड़ी सी छोटा हो जाएगा तो इसको टैप करके गए जैसे करके ग्रुप को आप बढ़ा लेना, ठीक है। तो मिस्टेकली ये ग्रुप ने गए छोटा हो चुका है तो इसको टैप कर लीजिए और इसको ऐसे करके बढ़ा लेना, ठीक है। अगर आपकी जो मैंने प्रोजेक्ट दिया उसमें अगर छोटा हो गया होगा तो ऐसे करके आपको पूरी एंड तक यहाँ पर कर लेना, ये चीज़ का ध्यान रखना, मिस्टेकली हो सकता है कि छूट गया हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, लिरिक्स पे टैप करेंगे, इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आकर कॉपी इफेक्ट कर लो और अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी लिरिक्स हमने क्रिएट किया टैप करते जाएंगे, इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट करेंगे, नेक्स्ट लिरिक्स को क्लिक करके इफेक्ट में आकर पेस्ट इफेक्ट करेंगे, नेक्स्ट लिरिक्स को क्लिक करके इफेक्ट में आकर पेस्ट इफेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो आप देख सकते हो गाइस क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन में टैप कर लीजिए और इस वीडियो को हमने गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है और सेव कर लेना है। अब आपको यहाँ पर नोड वीडियो ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर ओपन कर लेना है गाइज, ओके। और ओपन करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो न्यू पे टैप कर लेना और यहाँ पर रेटियो की ऑप्शन मिलेगा, इसको टैप करके 9:16 कर लेना, फिर प्लस में आके मीडिया में आना, फिर वीडियो में आना और जो वीडियो अभी हमने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना और थोड़ी सी आगे आ जाएंगे। अभी प्लस में टैप कर लो, एसिस्ट स्टोर पे आ जाओ और यहाँ पे ग्लो की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, ये थ्री सॉल्ट जो इसको क्लिक करके 49 के अप्रोक्स कर लो और स्क्रैटरिंग को यहाँ पर क्लिक करके 6 कर लो और उसके बाद में इंटरसिटी को क्लिक करके 9 कर लो, ठीक है, बस इतना कर लो। और कलर आपने यहाँ पर वाइट रखना है, ठीक है, और यहाँ पर डन कर लो। और इसके बाद में इस रूट वाले ऑप्शन में टैप करो और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके ग्रीन बटन पर टैप करके वीडियो को गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है।